हेलो एवरीवन, वेलकम इन अन अकेडमी। लेट्स क्रिएट गेट एन ईएससी विद इंडियास लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन गेट ए प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियास बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज हम करेंगे मटेरियल साइंस का आखिरी लेक्चर्स, जो कि सिलेबस से रिलेटेड है। डेफिनेटली सिलेबस मैंने मटेरियल साइंस का कंप्लीट करवा दिया है और आज हमारा लास्ट लेक्चर्स हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा एडवांटेजेस आपके लिए होगा एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इस लेक्चर्स को एंजॉय करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा जो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। First of all, I introduce myself. My name is Kuldeep Singh Rathod and I am currently pursuing my M.Tech from IIT Delhi. I am graduated from Rajasthan Technical University, Kota in the year of 2018. In GATE 2020, I secured All India Rank 29 in Mechanical Engineering Streams. In GATE 2019, I secured All India Rank 478 in Mechanical Engineering Streams. I also qualify ISRO and Coal India Written Examinations. Previously, I am having a 2 years online teaching experience and represent India in a United Nations. So that was my brief introductions. Let me start today's lecture with a special mentions. आज हम discuss करेंगे alloying element का part 2, काफी ज़्यादा important है। And अगर आप Unacademy की learning app अभी तक download नहीं किए हैं, तो आप Unacademy की learning app download कर सकते हैं। Basically Unacademy की learning app ऐप पर आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सो बाय द इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एंड डेफिनेटली आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे क्विजेज एंड टेस्ट आपके होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ एडुकेटर्स आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपने फोन में रख लीजिए, डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इन अनलिमिटेड एक्सेस। तो आपको क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेज मिलती है, इसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। यानी कि आप अपने एडुकेटर्स के साथ इंगेज हो सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे डाउट अपने पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, पोल्स में जब क्लास आपकी चल रही है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, यानी इवैल्यूएट कर सकते हैं योर प्रिपरेशन विद अवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड ऑल अवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू द बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। ओके, तो ये आप सबको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल ओवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, अनअकैडमी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप लोगों को काफी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको गेट 2021 का जो सिलेबस है, गेट 2021 का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप न्यूली एडेड जो सिलेबस है उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सून मैं आपको बाकी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एमएस की क्यूज मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, एप्टीट्यूड क्यूज मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और टेक्निकल क्यूज मैं आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज शाम को 6 बजे आपका टेक्निकल क्यूज होगा, सिलेबस है कास्टिंग एंड वेल्डिंग। सो दिस टाइम मेरी प्रोफाइल आप फॉलो करके रखेंगे, आप चाहे इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों को काफी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, देन आफ्टर दैट अनअकैडमी पे वेरियस कोर्सेज अभी रनिंग में है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, सभी में गेट एंड ईएससी के वैरायटी ऑफ कोर्सेज गिवन है एंड डेफिनेटली आप इन कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2.083 पर ईएमआई लग जाता है, ईएमआई से आप ले सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर बजाज फाइनेंस है। 25,000 में आपको टोटल पे करना होता है, लेकिन अगर आप कुलदीप वन कोड का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट्स है वो पूछेंगे सर आप प्लस क्यों ज्वाइन करें, तो प्लस में क्या होता है कि प्लस जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो एक्स फैकल्टी है जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 years से टीचिंग करा रहे हैं और उनके अंडर में काफी स्टूडेंट सक्सेस लिए हैं, तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप डेफिनेटली प्लस पे जाके इनसे पढ़ सकते हैं, ये लोग यूट्यूब क्लासेज और स्पेशल क्लासेज में नहीं पढ़ाते हैं। ओके, तो 24 मंथ के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको 2.08 to 2.50 का ईएमआई लग जाता है एंड अप्रोक्सीमेटली 30,000 में आपको कोर्स पड़ता है। एक्स्ट्रा चार्जेज ईएमआई पे आपको कुछ भी नहीं देने होते हैं, कुलदीप वन कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है। ओके,
चलिए, मटेरियल साइंस का आज हम करेंगे पार्ट टू ऑफ अलोइंग एलिमेंट। पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं जोश एंड जुनून के साथ। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डेफिनेटली काफी ज्यादा आप सबको सीखने को मिलेगा। एंड मटेरियल साइंस का अलोइंग एलिमेंट का पार्ट टू आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस मटेरियल साइंस पार्ट टू। ओके, तो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हमने लास्ट वाले वीडियो में फेरस अलोई के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे नॉन फेरस अलोई। उसमें सबसे पहला जो हम देख रहे हैं कॉपर के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉपर काफी ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है। अगर आपने देखा होगा इनिशियंट वर्ल्ड में हमारा जो आयरन है वो बाद में आया था। आयरन एज आपकी बाद में आई थी, कॉपर एज पहले हुआ करती थी। तो कॉपर आपका पहले से ही डिस्कवर हो रखा था। मेन्स ने काफी पहले इसको डिस्कवर कर लिया था। तो कॉपर इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट मेटल्स डिस्कवर्ड बाय मैन। ओके, तो जो कॉपर आपका है वो अर्लिएस्ट मेथड है। कॉपर सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि जो मेटल्स है उनमें डिस्कवर होने वाला है, अर्लिएस्ट है। और काफी ज्यादा पहले से ही हम कॉपर्स का यूज करते आ रहे हैं, ह्यूमन काइंड इसका यूज कर रहा है। ओके, द बॉयलर ऑन अर्ली स्टेम बोर्ड्स वर मेड फ्रॉम कॉपर। तो जो बॉयलर होता है वो अर्ली स्टेम बोर्ड्स वर मेड फ्रॉम कॉपर। जो बॉयलर होते हैं वो इनिशियली किससे बनाए जाते थे, कॉपर से आपके बनाए जाते थे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो अर्ली आपके होते थे वो डेफिनेटली आपके कॉपर से बनाए जाते थे। तो आप सबको यही चीज ध्यान रखनी है कि पहले इनिशियली क्या होता था, कॉपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कॉपर से ही आपके ये चीजें बनाई जाती थी। तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। देन द कॉपर ट्यूबिंग यूज इन वाटर प्लम्बिंग इन पिरामिड वाज फाउंड इन सर्विसेबल कंडीशन आफ्टर मोर देन 5000 ईयर। तो देखिए, जो वाटर प्लम्बिंग टेक्निक थी, जो आपके मीसा के पिरामिड है उनमें जो वाटर प्लम्बिंग टेक्निक थी, जो उसमें वाटर प्लम्बिंग किया जाता था पिरामिड्स के अंदर, जो कि 5000 ईयर्स पहले पिरामिड बनाए गए थे। उन 5000 ईयर्स पहले के जो पिरामिड है उनमें जो वाटर प्लम्बिंग की जाती थी वो अभी तक भी उनमें सर्विसेबल कंडीशंस में है। तो कॉपर जो है उसका लॉन्ग लास्टिंग, काफी लंबी लाइफ होती है, कोरोजन फ्री होता है एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा एडवांटेजियस मटेरियल है। अब जो कॉपर होता है वो क्या होता है, आपका डक्टाइल मेटल्स होता है। प्योर कॉपर ही सॉफ्ट होगा एंड मेलाइबल होगा, डिफिकल्ट टू मशीन्स। लेकिन इसको मशीन्स करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसकी शेप साइज चेंज की जा सकती है। यानी कि प्योर कॉपर इज ए सॉफ्ट एंड मेलाइबल एंड डिफिकल्ट टू मशीन्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपर इज डक्टाइल मेटल्स होता है, कॉपर सॉफ्ट होता है, मेलाइबल होता है। एंड एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिफिकल्ट टू मशीन्स, कॉपर को जो डिफिकल्ट होता है उसको मशीन करना। ओके, तो डेफिनेटली यू विल गोट पॉइंट अबाउट दिस। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। एंड डेफिनेटली इसके बाद में हम पढ़ेंगे वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपने देखा होगा जितने भी मोटर्स होती है या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कॉपर्स आपको काफी ज्यादा यूज होता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो कॉपर है वो आपका वहां पे काफी ज्यादा यूज होता है। ओके, तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कॉपर काफी ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है, काफी ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है, सेकंड ओनली टू सिल्वर। इसकी जो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में केवल और केवल सिल्वर से ज्यादा, सिल्वर की इससे ज्यादा होती है, बाकी सबकी इससे कम होती है। लेकिन सिल्वर को क्या हम घर के जो हमारे वायर्स होते हैं उनमें लगा नहीं सकते, क्योंकि काफी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। दैट्स व्हाई हम कॉपर प्रेफर करते हैं। कॉपर काफी सस्ता भी होता है कंपेयर टू सिल्वर, एंड कॉपर के वायर हम यूज करते हैं क्योंकि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज की होती है। ओके, अब देखिए, कॉपर इज रिफाइंड टू हाई प्योरिटी फॉर मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉपर होता है वो रिफाइन किया जाता है हाई प्योरिटी में फॉर मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, मतलब काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में ये आपका यूज होता है। तो कॉपर इज रिफाइंड टू हाई प्योरिटी फॉर मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। ओके, अब देखिए, एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आपका होगा। कॉपर कुकवेयर्स मोस्ट हाईली रिगार्डेड एंड फास्ट एंड यूनिफॉर्म हीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे कॉपर कुकवायर होता है वो हम यूज करते हैं कॉपर्स के। अगर आप स्टील के बर्तन भी देखेंगे तो वहां पे कॉपर की कोटिंग होती है। अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे कॉपर की कोटिंग होती है। वाई, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम हीट को ये ट्रांसफर कर पाएगा एंड इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली फास्ट एंड यूनिफॉर्म हीटिंग ये प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आर लार्जेस्ट यूजर ऑफ सीयू। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल एंड जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, कॉपर यूज होता है। ओके, तो ये वाली चीज आपको समझनी है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर कब से यूज होता हुआ आ रहा है। तो सेकंड लार्जेस्ट यूज होता है ना कॉपर का, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले मटेरियल्स में कॉइन्स के अंदर जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा से लार्जेस्ट जो मटेरियल्स है वो कॉपर होता है।
यानी कि एंशिएंट वर्ड से ही अगर आप देखेंगे तो जो कॉपर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर था। और पुराने टाइम में क्या होता था कि कॉपर से ही वेरियस जो आपके मुद्राएं होती थी वो बनाई जाती थी। सोने की भी मुद्राएं होती थी, ठीक है, सोने की मुद्राएं होती थी, गोल्ड की मुद्राएं होती थी, सिल्वर की होती थी, और कॉपर भी वहां पे काफी ज्यादा प्रचलित हुआ करता था जिसमें कॉइन्स बनाए जाते थे। ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कॉपर जो है सेकेंड लार्जेस्ट यूज ऑफ कॉपर इज प्रोबली इन ए कॉइन। ओके, अब जो यूएस निकल इज एक्चुअली 75% कॉपर है। जो यूएस निकल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसका थर्मल कोफिशिएंट काफी ज्यादा होता है, उसमें 75% कॉपर होता है। द डाइम क्वार्टर एंड हाफ डॉलर कॉइन्स कंटेन 91.67 डिग्री कॉपर्स एंड द ससेन बी एंटनी डॉलर इज 87.5% ऑफ कॉपर। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका डाइन क्वार्टर एंड हाफ डॉलर कॉइन्स कंटेन करता है 91.67% कॉपर, एंड द सुसेन बी एंटनी डॉलर जो है वो भी 87.5 कॉपर रखते हैं। ये आपके कॉइन का टाइप है, लाइक ये आपका सुसेन बी एंटनी डॉलर्स आते थे, हाफ डॉलर्स आते थे, डाइम क्वार्टर भी डॉलर्स की फॉर्म के ही छोटे कॉइन्स है, जैसे हमारे रुपया होता है 1 रुपया, 2 रुपया, यूरो सेंट हो गए। ये सारे जो इतने भी कॉइन्स होते हैं इनमें कॉपर काफी ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता था। यूरो कॉइन में भी काफी ज्यादा लाइक कॉपर निकल कॉपी जेडन एनआई और कॉपर एल्यूमिनियम जेडन एसएन अलॉय से मिलके वेरियस अलॉय का मिक्सचर्स करके आपके इनिशियली कॉइन्स बनाए जाते थे। ओके, तो डेफिनेटली आप लोग समझ पाएंगे कि कॉपर का कॉइन मेकिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज है। अब हम कॉपर का ही अलॉय देखते हैं। कॉपर का एक अलॉय है आपका ब्रास, तो ब्रास के बारे में देखते हैं कि ब्रास क्या डिफाइन करता है। तो कॉपर का एक अलॉय देख रहे हैं हम ब्रास, तो ब्रास क्या डिफाइन करता है कि ब्रास इज द मोस्ट कॉमन अलॉय ओपे कॉपर। तो कॉपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अलॉय है वो आपका कौन सा है? कॉपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अलॉय है वो आपका क्या है? ब्रास। इट इज अलॉय विद जेडन, और ये अलॉय किसके साथ में मिलके बनाता है? कॉपर में अगर हम जेडन का मिक्स करते हैं तो ब्रास आपका हमको प्रोवाइड होता है। तो ब्रास जो है उसकी डक्टिलिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू कॉपर और जिंक। अगर आप जिंक को अकेला देखेंगे तो भी उसकी जो आपकी डक्टिलिटी होगी वो कम होगी, और अगर आप कॉपर को देखेंगे उसकी भी कम होगी, लेकिन ब्रास की अगर हम देखेंगे जो कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ है तो इन दोनों की काफी ज्यादा होती है। तो संजय कुमार यादव ने लिखा है कि सर कॉपर प्लस जेडन इज ब्रास, यस ऑफ कोर्स आप सही जा रहे हैं। इजी टू कास्ट, इसको काफी इजिली कास्ट किया जा सकता है। रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई फ्लूडिटी, तो इसका क्या होता है? रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई फ्लूडिटी होता है, यानी कि हाई फ्लूडिटी ये आसानी से इसको जब गर्म किया जाता है तो ये मेल्ट हो जाता है एंड फिर ये फ्लूड मतलब मोशन कर सकता है। तो दैट्स व्हाई कास्टिंग में ये काफी ज्यादा इसका किया जा सकता है। ओके, आप देखिए प्रॉपर्टी कैन बी टेलर्ड बाई वेरियस जेडन कंटेंट। अब जेडन के कंटेंट जो है, आप जिंक का जो कंटेंट है इसको आप वेरिएशन कर दीजिए, कभी जेडन आप ज्यादा करिए कभी जेडन कम करिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जेडन की जो प्रॉपर्टी उनमें आप चेंजेस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉपर्टीज है बाकी में चेंज आ जाएगा। ओके, अब देखिए सम ऑफ द कॉमन ब्रासेज आर येल्लो नेवल एंड कैटराइज। ओके, तो कुछ कॉमन ब्रासेज जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक अगर आप देखेंगे येल्लो आपका है, नेवल आपका है, एंड इसके अलावा कैटरेज आपका है, तो वेरियस आपके कॉमन ब्रास है जो यहाँ पे अवेलेबल है। ब्रास इज ए फ्रीक्वेंटली यूज टू मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसमें काम आता है एंड गुड डक्टिलिटी एंड एकोस्टिक प्रॉपर्टीज, काफी ज्यादा आपका प्रॉपर्टी होगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा है, अच्छा डाउट है कि सर इसमें कितना यूज होता है, तो वो अगर हम देखेंगे तो वो आपको पता लगेगा। यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे आपको पता लगेगा कि जैसे डॉलर्स होते हैं उनमें 75% कॉपर होगा, जो रिमाइनिंग होगा हम जिंक डाल देंगे, ठीक है। तो वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन, जनरली 70-80% आपका कॉपर होगा, रिमाइनिंग आप जिंक डालते हैं। ओके, चलिए यहां तक हमने देख लिया इंपॉर्टेंट चीजें, कॉइन हमने देख लिया, इसके बाद हम कॉपर अलॉय देख रहे हैं। कॉपर अलॉय हम डिस्कस कर रहे थे, तो कॉपर अलॉय के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ब्रासेस एंड ब्रोंज आर मोस्ट कॉमनली यूज आपके कॉपर अलॉय है। ओके, यहाँ पे क्या है? ब्रासेज एंड ब्रोंज आर मोस्ट कॉमनली यूज अलॉय ऑफ कॉपर। ब्रास इज एन अलॉय विद जेडन, ब्रास जो है वो अलॉय विद जेडन होगा, एंड ब्रोंज कंटेन टिन एल्यूमिनियम सिलिकॉन और बेरिलियम। तो जो ब्रोंज होता है वो क्या क्या रखता है आपका? ब्रोंज आपका ब्रोंज जो है वो आपका रखेगा टिन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एंड बेरिलियम, एंड जो ब्रास है वो आपका रखेगा कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर आपका वो रखेगा, अलॉय जिंक होगा उसमें, एंड ब्रोंज में अलॉय होंगे एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड बेरिलियम।
अदर कॉपर अलोइंग फैमिलीज इंक्लूड कॉपर निकल भी आपका मिलता है एंड निकल सिल्वर भी आपका दिख जाता है, मोर देन 400 कॉपर बेस अलोई आर रिकॉग्नाइज्ड। तो अप्रोक्सीमेटली कितने आपके 400 से ज्यादा कॉपर बेस अलोई अभी आपके पास अवेलेबल है, डेफिनेटली आपका यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन देखिए, ब्रास जो होता है उसमें अलोइंग एलिमेंट क्या होता है आपका जिंक होगा, एंड यहाँ पे इसको वेरियस यूएनएस नंबर से शो किया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज देखेंगे तो वो टिन उसमें मिक्सचर्स होता है। अगर आपसे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज देखेंगे तो एल्यूमिनियम अलोइंग एलिमेंट होगा। सिलिकॉन ब्रॉन्ज अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन उसमें अलोइंग एलिमेंट होगा। अगर कॉपर निकल आप देखेंगे, निकल सिल्वर आप देखेंगे तो निकल उसमें अलोइंग, डेफिनेटली इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हम देखेंगे ब्रोंज। ओके हम ब्रास ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ब्रोंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रोंज जो है वो भी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, और काफी आपने देखा होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, देन ब्रोंज मेडल दिया जाता है, तो ब्रोंज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कॉपर अलोइंग कंटेंट जिनमें टिन होता है, लेड होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन्स होता है, निकल्स होता है, इन सबको क्या बोलते हैं, ब्रोंजेज के नाम से हम जानते हैं। अगर ये अलोइंग एलिमेंट लाइक टिन, लीड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड निकल होंगे तो उनको ब्रोंज के नाम से जानते हैं। ओके तो कॉपर एंड जेडन अलॉय इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट अलॉय टू बी डिस्कवर्ड एज ए सीयू ओरे इनवर्टली कंटेन एसएन डॉट। ओके तो सीयू एंड एसएन ब्रोंज जो है वन इज द अर्लीस्ट अलॉय है, और वो डिस्कवर्ड किए गए थे इनवेरिबली कंटेन एसएन, और इसमें एसएन कंटेंट रहता था क्योंकि ये जो आपका ब्रोंज है वो डिस्कवर्ड किया गया था अर्थ कोर से, और वहां पे आपको पता है कि एसएन भी होता है एंड वहां पे आपका कॉपर भी होगा, तो दोनों का मिक्सचर से आपको ब्रोंज ऑटोमेटिकली नेचर से भी प्रोवाइड होता था। स्ट्रोंगर देन ब्रास, ब्रास से ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होगा ब्रास के कंपेयर में, एंड टेंसाइल प्रॉपर्टीज होगी। इसको कास्ट भी किया जा सकता है, हॉट वर्क किया जा सकता है, कोल्ड वर्क किया जा सकता है, जो इसको यूनिक बनाता है ब्रास के कंपेयर में, क्योंकि गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है। टेंसाइल प्रॉपर्टीज भी अगर आप देखेंगे, टेंसाइल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी कैन बी कास्ट, हॉट वर्क एंड कोल्ड वर्क वाली कंडीशन भी आपकी यहाँ पे आ रही है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जो एंशिएंट चाइनीज कास्ट आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट्स होते थे, स्टेक बोर्ड, बॉल बीरिंग जो हो गई, सर्जिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सब में ब्रोंज का ज्यादा यूज किया जाता है, यानी सर्जिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट में आपका ब्रोंज का यूज प्रॉपर तरीके से होता है। ओके तो डेफिनेटली आप सबको समझ में आया होगा, यस आपने सही लिखा है, सीयू प्लस एसएन का मिक्सचर सी आपका ब्रास के नाम से जाना जाता है, ब्रोंज के नाम से सॉरी। बेरिलियम कॉपर देखते हैं, कॉपर बेरिलियम अलॉय आर हीट ट्रीटेबल। जो कॉपर एंड बेरिलियम का जो अलॉय होता है उसको हम हीट ट्रीटेबल भी बोलते हैं, यानी कि वो आपका हीट ट्रीटेबल होता है। मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम जो है इन कॉपर इज 2.7% एट 866 डिग्री सेल्सियस। तो जो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है बेरिलियम की कॉपर के अंदर 2.7% होती है, और वो कौन से टेम्परेचर पे होती है आपकी 86 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसके बाद डिक्रीजिंग सोल्युबिलिटी एट ए लोअर टेम्परेचर इम्पार्ट प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग एबिलिटी। तो अगर हम सोल्युबिलिटी को अगर डिक्रीज कर दे, सोल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है एट ए लोअर टेम्परेचर पे, तो इम्पार्ट प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग एबिलिटी ये शो करेगा। कास्ट अलोई जो होंगे हायर बेरिलियम होंगे, रफ अलोई होंगे उनके लोअर बेरिलियम होंगे, एंड सम सीओ भी आपके होते हैं। तो लाइक अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए कास्ट अलोई होगा उनमें बेरिलियम काफी ज्यादा अमाउंट में होगा, रफ अलोई जो होंगे उनमें काफी कम होगा, एंड सम कोबाल्ट भी उसमें हो जाए। तो कॉपर बेरिलियम इज डक्टाइल, कॉपर एंड बेरिलियम जो है वो काफी ज्यादा डक्टाइल होता है। इसके बाद वेल्डनेबल होता है, मशीनेबल होता है, एंड आल्सो रेजिस्ट टू नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, एंड ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होते हैं उनसे रेजिस्ट भी करता है, वेल्डिंग इसकी कर सकते हैं, मशीन इसकी कर सकते हैं, डक्टाइल ही होता है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। HCl और H2SO3 से ये रेजिस्ट कर सकता है, अभिशेष अब्रेसिव वियर्स एंड गेलिंग में भी ये काफी ज्यादा काम करता है। थर्मल कंडक्टिविटी बिटवीन स्टील एंड एल्यूमिनियम, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो स्टील एंड एल्यूमिनियम के बीच में होती है। इसके एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे, स्पेयरिंग में आपका काफी ज्यादा यूज होता है, लोड सेल्स में काफी ज्यादा यूज होता है, अदर पार्ट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोडिंग, जहाँ पे फटिंग लोडिंग आ रही है वहां पे ये आपका जो बेरिलियम कॉपर है काफी अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लो करंट कॉन्टेक्ट फॉर बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, कास्ट अलॉय आर यूज इन इंजेक्शन मोल्ड्स। अदर एप्लीकेशन इंक्लूड जेट एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर बीरिंग एंड बुशिंग्स एंड प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट। ओके तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन है, ये स्प्रिंग में आपका यूज होता है, लोड सेल में आपका यूज होता है, अदर पार्ट जैसे कि रिपीटेड लोडिंग है, लो करंट कॉन्टेक्ट फॉर बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, कास्ट अलॉय जो होता है वो यूज किया जाता है इंजेक्शन मोल्ड में, जेट एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर बीरिंग्स, बुशिंग्स, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट, इन सब में इसका वेराइटी ऑफ यूज
होता है। ओके, तो डेफिनेटली आप सबको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हम एल्यूमिनियम देखेंगे, देन उसके बारे में अलॉय को बारे में बात करेंगे। जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल, मतलब काफी ज्यादा कम डेंसिटी इसकी होती है एंड प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी शो करता है, इजिली मशीनेबल होता है, हैज अ वाइड वेरायटी ऑफ सर्फेस फिनिश, इसकी सर्फेस फिनिश काफी ज्यादा वेरायटी में होती है, एंड गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज होगी, हाइयर रिफ्लेक्टिव टू हीट एंड लाइट होगा। ओके, तो यहाँ से आपको कुछ प्रॉपर्टीज है, थ्योरिटिकल है, दैट्स व्हाई मैं आपको पीपीटी की फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि इजीली मशीनेबल होगा, वाइड वेरायटी ऑफ सरफेस फिनिश इसका होता है, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज होती है, एंड हाईली रिफ्लेक्टिव टू हीट एंड लाइट आपका होगा। वेरियंट पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशंस इन इंग्लिश इन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ एंड डेफिनेटली यू डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, डू नॉट वरी, इस अगेन कंटिन्यू, कभी कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू हो जाता है तो आप 5 to 10 सेकंड वेट करिए, वापस मैं बेक हो जाऊंगा। ओके, तो एल्यूमिनियम कैन बी रिवेटेड, एल्यूमिनियम जो है उनको रिवेटेड किया जा सकता है, वेल्ड किया जा सकता है, ब्रेज किया जा सकता है और रेजिन बाउंडेड भी किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम अलॉय वाइड वेरायटी ऑफ एप्लीकेशन में आपके यूज होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम अलॉय की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इसमें काफी सारे ऑपरेशन, मशीनिंग एंड जो रिवेटिंग, वेल्डिंग, फास्टनिंग की वेरियस टेक्निक सभी आसानी से लग जाते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, देन ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कोरोजन रेजिस्टेंस के बारे में। नो प्रोटेक्टिव कोटिंग नीडेड, हाउएवर इट इज ए ऑफ्टन एंडोजाइज टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश अपीरियंस एंड एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ओविंग टू लो डेंसिटी। तो आपका देखोगे कि जो एल्यूमिनियम और उसके अलॉय होते हैं, हाई स्ट्रेंथ टू अलॉय वेट रेशियो होता है, हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ओविंग टू द लो डेंसिटी इसका होगा। सच मटेरियल आर वाइडली यूज इन एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस वेयर वेट सेविंग आर नीडेड फॉर बेटर फ्यूल इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस। तो ये वहां पे काफी ज्यादा आपका यूज होता है डेफिनेटली, जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन, जहां पे वेट जो है हमें चाहिए कि वेट हम व्हीकल का कम से कम रखें, क्योंकि ये अगर आप सेम वेट देखेंगे कंपेयर टू अदर मटेरियल तो इसका वेट काफी कम होता है, डेंसिटी कम होती है और सेम प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री और इन सब इंडस्ट्री में इसका वाइड वेरायटी ऑफ यूज होता है। एल्यूमिनियम लिथियम आर द लाइएस्ट अमोंग ऑल एल्यूमिनियम एंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम लिथियम अलॉय जो होता है लाइटेस्ट होता है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम अलॉय में, एंड इसका वाइड वेरायटी ऑफ यूज होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ओके, तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम अलॉय दिखेंगे, वेरायटी ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय देखेंगे। एल्यूमिनियम अलॉय आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी, कास्ट एंड रफ अलॉय। तो हम इसको कास्ट अलॉय एंड रफ अलॉय के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। रफ अलॉय कैन बी आइदर हीट ट्रीटेबल और नॉन हीट ट्रीटेबल। तो यहाँ पे जो रफ अलॉय है वो हो सकता है कि आपका हीट ट्रीटेबल हो और हो सकता है नॉन हीट ट्रीटेबल हो। एंड अलॉय आर डिजाइंड बाई ए 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर से शो किया जा सकता है। रफ द फर्स्ट डिजिट इंडिकेट द मेजर अलॉइंग एलिमेंट, कास्ट द लास्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल इंडिकेट प्रोडक्ट फॉर्म्स, यानी कि कास्टिंग्स 0 इनगोट्स 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अलॉय सीरीज 1 इस तरीके से आ रहा है तो मिनिमम 99% एल्यूमिनियम होगा। ऐसे ही कॉपर, मैग्नीज, सिलिकॉन, मैग्नीजियम, मैग्नीजियम एंड सिलिकॉन, इस वेरियस टेबल में आपको शेयर किया है कि रफ अलॉय कौन कौन से होते हैं, रफ एल्यूमिनियम अलॉय कौन कौन से बन रहे हैं, एंड जो कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय है जिनमें एल्यूमिनियम का मिक्सअप होता है वो कौन कौन से हैं। तो उनकी कोडिंग दिखी हुई है, कोडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना है कि किस तरीके से ये आएगा। ओके, तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अगला प्रोसेस। तो देखिए डेफिनेटली जो आपके रफ अलॉय होते हैं वो ज्यादा आपके होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं टाइटेनियम के बारे में देखेंगे, टाइटेनियम प्योर टाइटेनियम मेल्ट एट 167 डिग्री सेल्सियस एंड हैज एट ए लो डेंसिटी ऑफ 4.5 डिग्री गैलियन पर सीसी, 40% लाइटर देन स्टील एंड 40% हेवियर देन एल्यूमिनियम। अगर आप प्योर टाइटेनियम को देखेंगे तो वो आपका मेल्ट होता है 167 डिग्री सेल्सियस से लेके लो डेंसिटी होगी 4.51 ग्राम पर सेल्सियस, 40 डिग्री लाइटर देन स्टील एंड 60 डिग्री हेवियर देन एल्यूमिनियम। यानी स्टील से 40% लाइटर होगा, 60% हेवियर होगा एल्यूमिनियम से, और टाइटेनियम जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। जैसे आप समझ सकते हैं जो आपके रफ अलॉय होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे कंपेयर टू कास्ट अलॉय। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे टाइटेनियम हैज ए हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्गर डी ऑक्सीडाइजर, कैन कैच फायर एंड कैच सर्वाइव डैमेज। तो टाइटेनियम जो होता है वो ऑक्सीजन से काफी ज्यादा एफिनिटी होती है, मतलब काफी इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है ये मेटल्स। स्ट्रॉन्ग डी ऑक्सीडाइजर भी ये होता है और फायर को काफी इजीली इसको कैच कर लेता है, यानी
फायर में काफी जल्दी जल जाता है एंड केस और किस से काफी ज्यादा डैमेज भी हो सकते हैं। टाइटेनियम इज स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम, हाई स्ट्रेंथ एंड लो वेट मेक टाइटेनियम वेरी यूजेज एज ए स्ट्रक्चर्स मटेरियल। तो टाइटेनियम जो होता है स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम होता है एंड हाई स्ट्रेंथ एंड लो, अगर आप देखेंगे हाई स्ट्रेंथ एंड लो वेट आपका होगा तो डेफिनेटली या सो टी आई इज स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम एंड हाई स्ट्रेंथ एंड लो वेट मेक टाइटेनियम वेरी यूजफुल एज ए स्ट्रक्चर्स मटेरियल। ओके, तो जो टाइटेनियम होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एल्यूमिनियम से, हाई स्ट्रेंथ एंड लो वेट जो होता है वो उसको क्या करेगा, टाइटेनियम को काफी ज्यादा यूजफुल कर देगा स्ट्रक्चर्स मटेरियल में। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटेक्टिव थिन ऑक्सीडाइज सर्फेस फिल्म्स, कैन बी यूज एज ए बायो मटेरियल, कैन बी यूज इन एलिवेटेड टेम्परेचर कॉम्पोनेंट्स, लिमिटेशन ऑफ प्योर टाइटेनियम इट्स लोअर स्ट्रेंथ, अलोइंग इज डन टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अलोइंग एलिमेंट भी एड होता है, टाइटेनियम में इसकी लोअर स्ट्रेंथ होती है, अलोइंग करते हैं हम इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, यस यस ऑफकोर्स, जो रफ अलोई इज ए ग्रेटर देन स्ट्रोंगर देन कास्ट अलोई। ओके, तो डेफिनेटली जो रफ अलोई होते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं कास्ट अलोई से। ओके, अब देखिए टाइटेनियम के बारे में कंटिन्यू रखते हैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन केस टाइटेनियम टू बिकम मोर ब्रिटल। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो होता है वो टाइटेनियम को काफी ज्यादा ब्रिटल बना देता है एंड केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जैसा जब भी हम प्रोसेस करें कुछ भी तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। टाइटेनियम कैन ऑल्सो भी कास्ट यूजिंग ए वैक्यूम फर्नेस, तो हम हो सकता है कि जो वैक्यूम फर्नेस है उससे भी टाइटेनियम को कास्ट कर ले। एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाइयर स्ट्रेंथ वेट रेशियो एंड एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस टाइटेनियम इज यूज इन ए वेरायटी ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए क्योंकि ये एक तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इसका होगा, एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस इसका होता है, तो जो टाइटेनियम होता है यूज होता है वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में। एंड एयरक्राफ्ट, अगर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट में बॉडी स्ट्रक्चर्स इंजन पार्ट्स में इसका यूज होता है, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट लाइक केमिकल प्रोसेसिंग डिसलेशन टर्बाइन इंजन पार्ट्स वाल्व एंड पंप पार्ट्स मरीन हार्डवेयर मेडिकल इंप्लीमेंट्स जो होंगे लाइक प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, रिसेंटली यूज ऑफ टाइटेनियम इन बाइक्स एंड ऑटोमोटिव इन इंक्रीजिंग। दैट्स व्हाई टाइटेनियम का वाइड वेराइटी ऑफ यूज आपका होता जा रहा है एंड डेफिनेटली आप देखेंगे तो टाइटेनियम का एयू एप्लीकेशन काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ता जा रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइटेनियम अलोई के कुछ, टाइटेनियम हमने देखा है तो टाइटेनियम अलोई के बारे में भी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि टाइटेनियम अलोई क्या डिफाइन करते हैं और आपके टाइटेनियम अलोई क्या होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्योर टाइटेनियम जो होता है वो एग्जिबिट करता है, प्योर टाइटेनियम जो होता है वो एग्जिबिट करता है, प्योर टाइटेनियम एग्जिबिट करता है टू फेसेस को, हेक्सागोनल अल्फा फेसेस एट रूम टेम्परेचर एंड बीसीसी बीटा फेस अबाउट 282 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्योर टाइटेनियम होता है वो एग्जिबिट करता है टू फेसेस को, हेक्सागोनल अल्फा फेस एट ए रूम टेम्परेचर एंड बीसीसी बीटा फेस अबाउट 882 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए इसके बाद अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ टाइटेनियम इज इम्प्रूव बाय अलोइंग, अलोइंग एलिमेंट्स आर आइदर अल्फा एंड बीटा स्टेबिलाईजर। अब जो टाइटेनियम की जो स्ट्रेंथ है उसको अलोइंग एलिमेंट को एड करके हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इसमें क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं टाइटेनियम अलोई को, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं अलोइंग करके और उसमें अल्फा एंड बीटा स्टेबलाइजर हम डालते हैं। एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनका लेस देन 4 होता है अल्फा स्टेबलाइजर होते हैं लाइक अल्फा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड गैलियम, एंड 4 से जो आपके होंगे वो न्यूट्रल्स होते हैं जैसे SN एंड ZR, एंड जो 4 से ज्यादा जिनकी आपकी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स रेशियो होता है वो आपके बीटा स्टेबलाइजर रहता है लाइक वेनेडियम मोलिब्डेनियम Ta एंड W टंगस्टन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा बीटा टू फेसेस अलोइंग एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन विद राइट प्रोपोर्शन ऑफ अलोइंग एलिमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा का मिक्सचर्स भी रख सकते हैं, बीटा का मिक्सचर्स भी रख सकते हैं, दोनों फेसेस का मिक्सचर्स आपका होगा एंड राइट प्रोपोर्शन ऑफ अलोइंग एलिमेंट से हम इनको रख सकते हैं। अगर हम राइट वे में मिक्सचर करें अलोइंग एलिमेंट बनाए तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अल्फा अलोइंग हैव ए लो डेंसिटी मॉडरेट स्ट्रेंथ रीजनेबल डक्टिलिटी एंड गुड क्रीप रेजिस्टेंस। तो जो अल्फा अलोई होता है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है, मॉडरेट स्ट्रेंथ होगी ना ज्यादा ना कम, रीजनेबल डक्टिलिटी होगी, डक्टिलिटी भी जितनी जरूरत है उतनी मिल जाएगी एंड गुड क्रीप रेजिस्टेंस होता है अगर हम अल्फा डालते हैं। अगर मेटास्टेबल बीटा अलोई की बात की जाए तो ये हेवीवर होते हैं कंपेयर टू अल्फा एंड स्ट्रोंगर भी होते हैं, यानी कि स्ट्रोंगनेस काफी ज्यादा होती है इनकी एंड इसके अलावा लेस डक्टाइल देन अल्फा अलोई होता है, यानी अल्फा अलोई से लेस डक्टाइल्स होते हैं, क्रीप स्ट्रेंथ रिड्यूस विद इंक्रीजिंग बीटा कंटेंट, और जो इसकी क्रीप स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस कर जाती है
विद बीटा कंटेंट के द्वारा एंड अल्फा एंड बीटा अलॉय शो ए गुड स्ट्रेंथ टू डक्टाइल कॉम्बिनेशन। तो जो अल्फा प्लस बीटा का मिक्सचर्स है, अगर आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मिक्सचर्स, ये क्या करता है आपका गुड स्ट्रेंथ डक्टिलिटी कॉम्बिनेशन आपको ये दिखाता है, यानी गुड स्ट्रेंथ डक्टिलिटी कॉम्बिनेशन। ओके, तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी होगी, काफी ज्यादा डक्टिलिटी भी होगी, तो दैट्स व्हाई टाइटेनियम अलॉय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। ओके, इसके बाद निकल की बात करते हैं, निकल अलॉय की बात करते हैं। निकल देखिए, निकल आपका आ चुका है, तो निकल के बारे में भी पता होना चाहिए। निकल इज ए हाई डेंसिटी हाई स्ट्रेंथ मेटल विद गुड डक्टिलिटी। निकल की क्या होती है, एक तो डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा हाई होती है आपकी इसके, एंड देन गुड डक्टिलिटी एंड एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस आपको इसमें मिलता है, यानी कि जो आपकी डक्टिलिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी मिलती है आपको, कोरोजन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी, यानी कि ये हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी पे भी विदस्टैंड कर सकता है अपनी प्रॉपर्टीज को। दैट्स व्हाई अगर हम देखेंगे जो हमारे स्पार्क प्लग होता है उसमें हम निकल मटेरियल का यूज करते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के अंदर। देखिए निकल जो है मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग इट्स फिक्शंस, इसके फिक्शंस को देखेंगे, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे, निकल कैटालाइज्ड फॉर फ्यूल सेल अगर आप देखेंगे, निकल कोबाल्ट इज सीन एज ए लो कॉस्ट सब्स्टेबल फॉर प्लेटिनियम कैटालाइज्ड। ओके, टू थर्ड ऑफ द ऑल निकल प्रोड्यूस, टू थर्ड जो है आपका निकल का प्रोड्यूस करता है अगर आप देखेंगे, टू थर्ड ऑफ द ऑल निकल प्रोड्यूस गोज इन टू स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन ऑल्सो यूज, अगर आप देखेंगे ऑल्सो यूज एक्सट्रीमली इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेरियस पार्ट्स इन ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे निकल जो है वो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, आल्सो यूज होता है एक्सटर्नली फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जहाँ पे भी हम करने होते हैं वहां सब में हम निकल का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे निकल बेस सुपर अलॉय जो है यूनिक होता है, क्लासेज ऑफ मटेरियल हैवी हैविंग एक्सपेक्टेशनली गुड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ क्रीप एंड ऑक्सीजन रेजिस्टेंस एंड यूज इन मेनी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन लाइक टर्बाइन इंजन, इस सब में आपका निकल का यूज होता है। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा वाइड वेरायटी में इसका एप्लीकेशन है, तो जहाँ पे भी आपको गुड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ चाहिए, क्रीप एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस चाहिए, वहां पे आप निकल बेस्ड सुपर अलॉय का यूज कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन निकल के बारे में कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट और अलॉय एलिमेंट बता देता हूँ। जो निकल है सेफ मेमोरी अलॉय है आपका, निकल बेस्ड निकल टाइटेनियम एंड निकल कंटेनिंग कॉपर एल्यूमिनियम एंड निकल सेफ मेमोरी अलॉय। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो निकल होता है सेफ मेमोरी अलॉय के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो उसमें निकल होगा टाइटेनियम आपका होगा, निकल कंटेन जो कॉपर एल्यूमिनियम निकल होगा उसको सेफ मेमोरी अलॉय बोलते हैं, क्योंकि दैट कैन गो बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म्स एंड इंपॉर्टेंट क्लासेज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स फाइंडिंग वाइड स्पेस यूज ऑफ मेनी एप्लीकेशन। तो ये क्या करते हैं वो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें वापस चले जाते हैं। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, लाइक अगर हम काफी जगह में क्या करना होता है इलेक्ट्रिक पावर देके उसको पर्टिकुलरली उसका शेप को चेंज करना पड़ता है, देन वापस उसको ओरिजिनल डायमेंशन में लाना पड़ता है, तो वैसी ओरिजिनल फॉर्म लेने वाली जगह पे शेप मेमोरी अलॉय में हम इसका यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आज हमारा मटेरियल साइंस का आखिरी लेक्चर है, मटेरियल साइंस आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूं, तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा लूं, तो दैट्स व्हाई आज आपका मटेरियल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। सारे मैंने लेक्चर जो है गेट ईएससी गेट के सिलेबस ईएससी के सिलेबस के लिए सारी ब्रांच में जो पूछा जाता है प्रीलिम में, एंड इसके अलावा एसएससी के अंदर जो पूछा जाता है YJ कोल इंडिया जितने भी एग्जामिनेशन है, जो कोल इंडिया का मैक्सिमम सिलेबस जो मेटेरियल साइंस का मैक्सिमम सिलेबस होता है वो मैंने सारा आपको कंप्लीट करवा दिया है। ओके, चलिए अब देखेंगे हम निकल कंटेनिंग मटेरियल देखेंगे, एंड डेफिनेटली यूज इन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर केमिकल प्रोडक्शन कम्युनिकेशन एनर्जी बैटरीज निकल कैडमियम निकल मेटल्स हाइड्रेट्स इन सब में इसका यूज होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फूड प्रिपरेशन वाटर ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। यानी निकल कंटेनिंग मटेरियल जैसे होंगे बिल्डिंग मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल केमिकल प्रोडक्शन कम्युनिकेशन एनर्जी बैटरी निकल कैडमियम निकल मेटल हाइड्राइड्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फूड प्रिपरेशन वाटर ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन इन सब में इसका यूज होता है। डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं इन सब में इसका यूज होता है। ओके, अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ निकल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निकल का एप्लीकेशंस आपका यहाँ पे आ चुका है। तो निकल देखिए स्टेनलेस स्टील्स
नॉन फेरस अलॉय, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अदर एंड अदर अलॉय स्टील्स, इन सब में क्या होता है, निकल का मिक्सचर्स आपका होता ही है। तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो वेरियस एप्लीकेशंस में निकल का यूज होता है। टरबाइन का इंजन आप बनाओगे तो निकल का यूज करोगे, इलेक्ट्रिक प्लेटिंग अगर आप करते हो बर्तनों के नीचे वो आप निकल यूज करोगे, बैटरी जो होती है इसमें भी आप निकल का यूज करते हो डेफिनेटली। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम्स के बारे में देखेंगे तो मैग्नीशियम्स लाइटेस्ट अमंग कॉमनली यूज मेटल्स। देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट आस्किंग मी सर आपने पीएसयू ज्वाइन क्यों नहीं किया। बेसिकली देखिए जो लाइफ होती है ना, लाइफ में आपको खुद को एक मुद्दे की बात बताता हूँ कि जो आपकी लाइफ होती है ना इसमें आपको दो चीजें करनी होती है। सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, सबसे पहले आपको पता ना करता है इंटरेस्ट किस में, और दूसरा आपको पता करना होता है कि आपको जो आपका इंटरेस्ट है उससे क्या आप अपनी फैमिली को सर्वाइव कर पाओगे। तो ये दो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होती है। अब मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट ऐसा नहीं है भेड़ चाल हो, कि वो बंदा पीएसयू में जा रहा है तो मैं भी पीएसयू में जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है पब्लिक जॉब में, जिनको पब्लिक सर्वेंट बनना पसंद है, पब्लिक के लिए काम करना पसंद है। कुछ लोग होते हैं जो हाइड काम करते हैं, लाइक जैसे अगर आप साइंटिस्ट देखोगे या फिर पीएसयू के एम्प्लॉय देखोगे तो उनको क्या होता है वो साइलेंट काम करते हैं, पब्लिक के सामने नहीं आते हैं। लाइक जैसे आपके पास IOCL का पेट्रोल आप भर रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल बना कौन रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। लेकिन जो पब्लिक वाली जॉब होती है, लाइक जैसे मान लीजिए IAS आप बनते हो, IAS की प्रिपरेशन आप करते हो, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो IAS की प्रिपरेशन यानी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रिपरेशन, टीचर हो गए, पुलिस वाले हो गए, तो ये क्या होता है पब्लिक से डायरेक्टली अटैच रहते हैं। मतलब इनको ऐसी जॉब प्रोफाइल पसंद होती है कि ये पब्लिक को डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं, यानी इनमें टीचर भी आ गया आपका। तो ये क्या है कि डायरेक्टली जो अपनी नॉलेज होती है, जो भी चीज काम होता है, इनका वर्क पब्लिक से ज्यादा अटैच रहता है। ये भी वैसे रहता है लेकिन ये कभी पब्लिक के सामने नहीं आते हैं ज्यादा, ये लोग पब्लिक के सामने रहते हैं, पब्लिक के साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो मेरा इंटरेस्ट है वो पब्लिक वाले सेक्टर में ज्यादा है, पर्टिकुलर जो हायर्ड वाले सेक्टर है उसमें नहीं है। ओके सो दैट्स व्हाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करनी चाहिए। दुनिया क्या कर रही है, उसको क्या करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको अपनी जॉब प्रोफाइल चूज करनी चाहिए। ओके तो डेफिनेटली मैंने मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब प्रोफाइल चूज की है, एंड अभी तक मैं जैसे जो पब्लिक वाली जॉब है उनमें मैंने वेरियस में एग्जामिनेशन क्रैक कर चुका हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे पब्लिक वाले, तो इसमें मैं वेरियस एग्जामिनेशन क्रैक कर चुका हूँ, तो इनमें से मैं कोशिश करूंगा इन्हीं में मैं ज्वाइन करूंगा। ओके तो डेफिनेटली ये मेरा एम है। ओके मैग्नीशियम लाइटेस्ट अमंग कॉमनली यूज मेटल्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका मैग्नीशियम्स का, अगर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो आपका होता है 650 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड इट हैज एचसीपी स्ट्रक्चर्स, और इसमें क्या होगा आपका एचसीपी स्ट्रक्चर्स होगा। इट इज वेरी रिएक्टिव एंड रीडेबल कम्बशन इन एयर, कैन बी यूज एज ए इग्नाइटर और फायर स्टार्टर। तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके एक तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड रीडली कम्बस्टेबल इन एयर होता है, यानी रीडली कम्बस्टेबल इन एयर होता है, कैन बी यूज एज ए इग्नाइटर और फायर स्टार्टर। तो ये इग्नाइटर की फॉर्म में यूज हो सकता है और फायर स्टार्टर के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। अब देखिए थर्मल कंडक्टिविटी इज लेस देन एल्यूमिनियम वाइल देयर सीटी इज ऑलमोस्ट सेम। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो लेस देन एल्यूमिनियम होगा वाइल देयर सीटी इज ऑलमोस्ट सेम, और जो इसका सीटी होगा वो ऑलमोस्ट सेम होता है। यानी अगर आप देखेंगे प्योर मैग्नीशियम हैज एडिक्वेट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस एंड मॉडरेट स्ट्रेंथ। तो अगर आप देखेंगे प्योर का जो प्योर आपका मैग्नीशियम हैज एडिक्वेट एटमोस्फेयर इसका होता है, रेजिस्टेंस होगा मॉडरेट स्ट्रेंथ इसकी होगी, यानी प्योर मैग्नीशियम जो होगा आपका एडिक्वेट एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस होगा, मॉडरेट उसकी आपके पास स्ट्रेंथ होगी। ओके इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एमजी होता है कैन बी इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी बाय अलोइंग। अगर आपने एमजी के अंदर कुछ अलोइंग एलिमेंट डाले तो प्रॉपर्टी उसकी काफी ज्यादा अमाउंट में आपकी इंक्रीज हो जाती है। ओके तो देखिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो थ्योरेटिकल चीजें मटेरियल साइंस काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो दैट्स व्हाई मैं आपको थ्योरेटिकल चीजों को अगर आप स्लाइड से देखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लिख लिख के दिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम ये देख लिया है, फेवरेबल एटॉमिक साइज जो है कैन बी अलॉयड विद द मेनी एलिमेंट्स, मोस्ट वाइडली यूज अलोइंग एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम ZN, ये सब आप यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ZN, MN एंड ZR। ओके ये अलोइंग एलिमेंट है जो डेफिनेटली हम यूज करते हैं। मैग्नीशियम अलोई को कास्ट भी कहा जा सकता है और रफ भी, यानी मैग्नीशियम अलोई भी टू टाइप से डिवाइड होते हैं, कास्ट अलोई एंड रफ अलोई। रफ अलोई आर अवेलेबल इन रोड, बार, सीट, प्लेट, फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन।
इन सब प्रोसेस में इसका यूज होता है। तो रफ अलॉय का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? रोड में, बार में, सीट में, प्लेट में, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, इन सब में हम यूज इसका कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम अलॉय के बारे में बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे अपना कैमरा जो होता है उसमें वेरियस पार्ट में इसका यूज होता है, इंजन ब्लॉक में यूज होता है, अगर आप व्हीकल की रिम देखोगे वहां पे इसका यूज होता है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, क्लच की हाउसिंग है वहां पे भी इसका यूज होता है। तो मैग्नीशियम अलॉय क्या होता है, इम्पैक्ट एंड डेंट को रेजिस्टेंस कर सकते हैं, यानी काफी ज्यादा अमाउंट होता है उसमें से ये इम्पैक्ट को रेजिस्टेंस कर सकते हैं एंड डेंट को भी रेजिस्टेंस कर सकते हैं। गुड डैम्पिंग कैपेसिटी इसकी होगी, इफेक्टिव फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, मतलब हाई स्पीड एप्लीकेशन में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ड्यू टू इट्स लाइट वेट, सुपीरियर मशीनेबिलिटी एंड ईज ऑफ कास्टिंग, मैग्नीशियम एंड अलॉय आर यूज इन मेनी एप्लीकेशंस, ऑटो पार्ट्स, स्पोर्टिंग गुड्स, पावर टूल्स, एरोस्पेस इक्विपमेंट्स, फिक्स्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इन सब में इसका यूज होता है। यानी क्योंकि इसका लाइट वेट होगा ना और उसकी मशीनेबिलिटी काफी अच्छी होती है, तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? कास्टिंग में मैग्नीशियम एंड अलॉय को हम काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, लाइक ऑटो पार्ट्स में, स्पोर्टिंग गुड्स में, पावर टूल्स जो होते हैं, एरोस्पेस के इक्विपमेंट्स है क्योंकि एरोस्पेस में आप वेट कम से कम रखना है, एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होंगे, इन सब में इसका काफी वेरायटी में यूज होता है। ओके, देन आफ्टर दैट इफ यू ऑब्जर्व ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस में भी वाइड वेरायटी में इसका यूज होता है। तो ऑटोमेटिव एप्लीकेशन जैसे गियर बॉक्स, वाल कवर, व्हील, क्लच हाउसिंग एंड ब्रेक पेडल्स के ब्रैकेट्स जो होते हैं, इन सब में इसका वाइड वेरायटी में यूज होता है। डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम अलॉय हमारा हो चुका है, तो डेफिनेटली आज इसी के साथ हमारा मटेरियल साइंस कंप्लीट हो गया है। तो मटेरियल साइंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं कोशिश करूंगा आपको मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस करवा दूं और रिविजन करवा दूं जैसे ही मुझे टाइम मिले। तो मटेरियल साइंस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए ये आपका मेटेरियल साइंस आज कंप्लीट हो गया। मेटेरियल साइंस जो मैंने कंप्लीट कराया है वो आपका गेट का सिलेबस पूरा कवर है, इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूरा सिलेबस कवर है, चाहे वो आप प्रीलिम के किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गेट एंड ईएससी के अलावा अगर आप वाईजेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाईजेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेटेरियल साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली 24 लेक्चर्स में मैंने आपका मेटेरियल साइंस पूरा करवा दिया है। डेफिनेटली आप मेटेरियल साइंस पूरा कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजी टू क्रैक गेट इन ईएससी 155 डेज आपकी मैं प्रोवाइड करूंगा। गेट एन ईएससी 2020 के लिए 21 के लिए मैंने प्रिपेयर की थी, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे वे में ले जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा एंड काफी ज्यादा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी। एंड डेफिनेटली इसके अलावा आप मुझसे टच में रहिए, अभी मैं एग्जी का सिलेबस लेके आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी एग्जी के लिए मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए और अलग कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी स्पेशल क्लासेज में आज टेक्निकल की विजय शाम को, तो बिल्कुल उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है हर चीज को। एंड और भी मैं आपके लिए काफी स्पेशल चीजें लेके आ रहा हूँ, तो मटेरियल साइंस मुझसे पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आप सबने काफी इंजॉय से पढ़ा एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रियली शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी लाइव क्लासेज ली है, एंड जो बाद में भी देख रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे मेटेरियल साइंस को पूरा पढ़ा है। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों के बाद आपको मेटेरियल साइंस का रिवीजन करवा दूं। रिवीजन में मैं आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उन पीडीएफ्स को मैं खोल के आपको रिवीजन करवा दूंगा, एंड जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगी। एक लिंक दूंगा, मैं एक लिंक आपको दूंगा गेट एन ईएससी चैनल पे भी दूंगा और अदर टेलीग्राम चैनल्स पे भी दे दूंगा। तो उस लिंक को आप क्या करेंगे, सो उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो उस लिंक में क्या है कि आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे और सारे मेटेरियल साइंस के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज आपका मटेरियल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। डेफिनेटली आप काफी काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एंड ये जो मैंने मटेरियल साइंस कंप्लीट कराया है कॉम्पिटिशन एग्जाम चाहे कोई सा भी हो सबके लिए कवर है। अगर आप एग्जी ब्रांच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जी ब्रांच के हिसाब से भी सिलेबस आपका कवर है। ओके, तो डेफिनेटली आप मटेरियल साइंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड एमएसक्यू जो है वो मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ पीडीएफ्स दे दूं जिसमें एमएसक्यू क्वेश्चंस आपको मैं बना के दे दूं। इसके अलावा मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको हो सकता है आने वाले टाइम में सोल्व करवा दूं, तो डू नॉट वरी, हो सकता है कल से ही मैं कंटिन्यू रखूं एमएसक्यू प्रीवियस ईयर, हो सकता है मैं एक वीक के बाद में आपको मौका दूं कि आप जो लेक्चर देख पाओ उसके बाद में मैं आपको एमएसक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ। ओके, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो की लिंक को शेयर किया कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मटेरियल साइंस सर ने कंप्लीट करवा दिया है। डेफिनेटली आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर एंड सी यू सून। ओके, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी का चैनल भी है। ओके।
तो लेट्स क्रैक गेट इन एसी। आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए। देखिए जो लाइव चैट में आप लिखते हैं वो सब चला जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ओल्ड वीडियो पे जाके आप कमेंट करके बताइए कि आपका उस लेक्चर से क्या एक्सपीरियंस रहा। ओके, डेफिनेटली ओल्ड वीडियो जो भी आप देखे हैं अपना कमेंट में एक्सपीरियंस जरूर बताइए। कुलदीपन कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको प्लस पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको वहां पे मिल जाती है। ओके, एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, सारी की सारी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक में अपलोड करूंगा, उस लिंक से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड आज हमारा मेटेरियल साइंस एंड हो चुका है, डेफिनेटली आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। एंड आगे हम देखते हैं प्रीवियस ईयर एमएसक्यू कंटिन्यू करते हैं या फिर रिवीजन कंटिन्यू करते हैं या फिर हम कुछ और चीजें आपके लिए लेके आता हूँ मैं, तो डेफिनेटली उसको देखते हैं, कल से हम देखेंगे उन चीजों को। चलिए, टेक केयर, गुड लक, सी यू सून, एंड होप यू ऑल डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड काफी अच्छा परफॉर्म करें। ओके।